बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। एंड गाइस, इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यू आर वाचिंग अरूज फैशन डिज़ाइन चैनल। गाइस, आई होप ऑल आर फाइन एंड ऑल्सो वेल एंड ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो टॉपिक। गाइस, टुडे आई हैव अ लेटेस्ट एंड स्टाइलिश आई कैचिंग ज्वेलरी डिज़ाइन आइडियाज। All designs are very unique and also trendy, and these designs are made from diamond and I love all designs। And guys, आज मैं आपके साथ बहुत ही beautiful से jewelry design ideas को share करूँगी and I hope कि आपको बहुत पसंद आएंगे और आपके लिए बहुत helpful रहेंगे। गाइस, इट्स नॉट अ बिग डील कि आप डायमंड के ही ज्वेलरी को परचेज़ करें। आप इन नेकलेस को अपने ज्वेलर्स को दिखा के आर्टिफिशियल नेकलेस भी मेकिंग करवा सकती हैं, जो कि आपको एक स्टाइलिश लुक देंगे, आपको स्टनिंग लुक देंगे। और इसके अलावा आप इसमें डिफरेंट टाइप्स के पर्ल्स का यूज़ कर सकती हैं। इसमें जो मोस्टली डिज़ाइन है वो वाइट में हैं, वाइट पर्ल्स के साथ उनको मेकिंग किया गया है, लेकिन आप अपने ड्रेस से रिलेटेड इसमें स्टोन्स को ऐड करवा सकती हैं। और इसमें ज़्यादातर जो है वो सिल्वर के साथ ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन किया गया है, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग लुक दे रहा है। लेकिन आप अपने ड्रेस से रिलेटेड इसमें स्टोन्स को ऐड करवा के इसको यूटिलाइज़ कर सकती हैं। और इसके अलावा आपको मेरी वीडियो में बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। यू कैन गो विद एनी डिज़ाइन विच यू लाइक। एंड गाइस, इसके नेकलेस के अलावा आपको इसमें एयर कफ के डिज़ाइंस भी नज़र आएंगे। और ये जो एयर कफ हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल से हैं। आप विदाउट नेकलेस भी इनको यूज़ कर सकती हैं, जो कि आपको एक मोड्स कोड लुक देंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत इनमें फिनिशिंग की गई है और आपको ये मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं, आप इनको परचेज़ कर सकती हैं। और गाइस, आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कीप स्पॉटिंग माय चैनल, कीप वाचिंग माय चैनल एंड आल्सो एंजॉय दिस वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ। इंशाल्लाह सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। And also see this video to till end and inshallah phir mulaqat hogi aapse aur na bahut sara khayal rakhiye aur apne